नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, वेलकम टू माय चैनल शादाब शकुरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मजे में होंगे। आज जो ताल का ट्यूटोरियल है वो है हाउ टू प्ले दादरा ताल। दादरा जो ताल है बहुत खूबसूरत ताल है और ये ज्यादातर ठुमरी, दादरा, कवाली, गजल्स, गीत, फिल्म सॉन्ग वगैरह वगैरह में बजाई ज्यादा जाती है। ये लाइट फॉर्म का है थोड़ा सा ताल और टोटल 6 मात्रे की ताल है। ये 3-3 भाग में डिवाइड हुई है। इसका जो सम है 1 पर है, इसकी जो खाली है वो 4 पर है। अंकों के माध्यम से इसको कैसा नापा जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, ये 3-3 का वजन है। तो टोटल 6 मात्रे की ताल है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 पे सम है, 4 पे खाली है। इसके जो बोल हैं, एक्चुअल जो बोल्स हैं इसके, ओरिजिनल बोल्स वो है धा धीना धा तू ना धा धीना धा तू ना। तो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन था इसका। अब इसका जो निकास है वो कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूं। धा धीना धा तू ना धा एक्चुअल ताल है, लेकिन ये ऐसा नहीं बजता है। कुछ लोग जो टिन जो है ये खुली टिन बोलते हैं इसको, जो स्याही पे बजती है, ये यूज ना करते हुए यही टिन को मैदान में यूज करते हैं। तो इसका निकास कैसा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा गौर से और ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम तबले में जो ना बजाते हैं और घे, इन दोनों को अगर हम साथ में बजाएंगे तो हो जाएगा धा, और तबले में अगर हम तीन जो है मैदान में अगर तीन बजाएंगे, सिंगल तीन और घे, ये दोनों साथ में बजाएंगे तो धिन हो जाएगा। सो धा धिन धा धिन धा धिन ना, ये ना आया। फिर धा तूना, अभी तूना जो है आप स्याही पे भी बजा सकते हैं तूना, और मैदान वाली तिन भी यूज कर सकते हैं आप, तिन ना तिन ना। सो धा धीना धा धीना धा तूना धा तूना, ऐसे भी बजा सकते हैं आप, और धा तीना ये भी बजा सकते हैं। तो ज्यादातर जो है तबला प्लेयर्स जो है वो धातुना जो है वो धा तीना बजाते हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, स्वीट लगता है। खड़ा तीन जो है, ओपन तीन जो है, ये थोड़ा सा कम यूज होता है। सो मैं दोनों तरीके से बताता हूं आपको। धा धीना धा तूना एक तरीके से ये बजा, एक तरीके से धा धीना धा तीना धा एक बार फिर बताता हूं। ना जो हम सिंगल ना तबले की चार्ट पे किनारी पे बजाते हैं, ना या ता और घे, अगर ये दोनों साथ में बजाएंगे तो धा होगा। बहुत सारे बिगनर्स भी ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे, आप ध्यान से देखिएगा। घे और ना को अगर साथ में बजाया जाएगा, घे और ना को साथ में बजाएंगे तो ये धा हो जाएगा। सो धा धी ना भी जो है, अगर हम सिंगल फिंगर से टिन को मैदान पे बजाते हैं और घे को बजाते हैं और दोनों को साथ में बजाते हैं तो ये धिन हो जाएगा। फिर ना, सो धा धीना धा तीना, फिर सिंगल तीन वापस मैदान में बजेगी, टिन एंड ना। सो सबको साथ में अगर मिलाकर बजाया जाए तो कैसा लगेगा? इसको और खूबसूरत करने के लिए हर तबला प्लेयर अपने अलग अलग किस्म से बजाता है और अपनी विशेषताएं उसमें दिखाता है कि दादरा ताल किस तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से बज सकती है।
तो ये दादरा ताल जब आप प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद इसको कंटिन्यूटी में जब आपका अभ्यास चालू रहेगा इस पे, तो फिर ये दादरा ताल इस तरीके से ऐसे खूबसूरत लगेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 थोड़ा सा एग्जाम्पल था ये दिखाने के लिए आपको कि दादरा ताल पे अगर कम धीमी लय में हम रियाज करें, बोलों को सही तरीके से साधें, तो आगे जाके कुछ महीनों बाद आप ऐसा बजा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दादरा का ट्यूटोरियल। दादरा ताल के बारे में अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप हमारे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उस बारे में क्लासेस के सिलसिले में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एज यूजुअल आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाएं, खुद भी देखिए दूसरों को भी दिखाएं, खुद भी आगे बढ़िए दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।